राधे राधे, जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जलती रहे शिरा वाली ज्योति तेरी जलती रहे, जलती रहे शिरा वाली ज्योति तेरी जलती रहे। यादि भी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता की, राधे राधे। मैया रानी के प्यारे प्यारे सभी भक्तों को हमारा राधे राधे, और एक बार प्रेम से सभी लोग मिलकर जयकारा लगाइए, बोलिए शेरावाली माता की जय। आज के वीडियो का टाइटल देख के आप लोग सभी समझ ही गए होंगे कि आज की जो ये वीडियो है वो अखंड ज्योत के विषय में है, और जो अखंड ज्योत होती हैं उनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है नवरात्रि के पावन दिनों में। ऐसा नहीं है कि बिना अखंड ज्योत के व्रत या पूजा नहीं होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है जो हमारे हृदय में भक्ति का एक दीप प्रज्वलित रहता है, जो भी माता रानी के या भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वो अपने हृदय में माँ के लिए, अपने भगवान के लिए एक अखंड दीप सदैव ही प्रज्वलित रखते हैं। तो मन के दीप का बहुत अधिक महत्व होता है, किंतु हमें उस दीप को, जो हमारे अंदर का दीप है, उसको बाहर भी लाना होता है। उसके लिए हम अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए और अपने घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए नवरात्रि के पावन दिनों में माता रानी के समक्ष अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत सारे नियम होते हैं अखंड ज्योत के। और अखंड ज्योत कभी कभी लोग 40 दिन का संकल्प लेते हैं, चालीसा करते हैं, तो 40 दिन के लिए जलाते हैं, और कुछ लोग परमानेंटली अपने घर में अखंड दीप प्रज्वलित करके रखते हैं। तो आज हम अखंड ज्योत के विषय में ही बात करेंगे कि अखंड ज्योत जलाते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो कि हमारी अखंड ज्योत बार बार बंद ना हो, या फिर बंद हो जाती है तो हमें कैसे संभालना चाहिए, और किस प्रकार की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपसे एक प्रार्थना करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अखंड ज्योत जो हम अपने माता रानी के आगे या किसी नवरात्रि के अतिरिक्त दूसरे जो पर्व आते हैं उन पर भी जलाते हैं, जैसे कि 16 दिन के महालक्ष्मी माता के व्रत होते हैं, या कभी कभी हम कोई संकल्प लेते हैं कि हमारा ये कार्य हो जाए या हो जाता है तब हम कई दिनों के लिए जलाते हैं, तो उस अखंड ज्योत का अर्थ क्या होता है। तो अखंड ज्योत का देखिए जो अर्थ होता है, उसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि अखंड, जो खंडित ना हो, जो खंडित ना हो उसको कहते हैं अखंड। और ज्योत है तो ज्योत खंडित ना हो किस प्रकार से, उसे अखंड ज्योत कहते हैं। जैसे कि जो दिया आप ले रहे हैं ज्योत जलाने के लिए, वो किसी भी तरह से खंडित ना हुआ हो कहीं से भी, और ना ही वो आपका बंद हो। आपका जितने दिनों का अनुष्ठान है या नवरात्रि के 9 दिन है, बीच में वो अखंड दीप बंद ना हो, उसको कहते हैं अखंड, जो कि बंद ना हो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको अखंड ज्योत किसी धातु की जलानी है या आपको मिट्टी की जलानी है। देखिए, अखंड ज्योत यदि आपको धातु की जलानी है तो आप अगर कैपेबल हैं, आपकी सामर्थ्य है, तो सोने चांदी की भी जला सकते हैं, किंतु पीतल की अखंड ज्योत जलाने का सभी के यहाँ विधान रहता है, क्योंकि हम लोग पीतल की अखंड ज्योति अपने अपने घरों में माता रानी के नवरात्रि में जलाते हैं, है ना। तो आप एक थोड़ी सी साइज़ में इतनी बड़ी अखंड ज्योत लीजिए जिसमें कम से कम 100-150 ग्राम घी या फिर तेल आ जाए,
ताकि आपको बार बार उसमें ना डालना पड़े, है ना। तो पहले तो साइज़ देख लीजिए और उसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं वो लीक तो नहीं करती है, क्योंकि कभी कभी होता है हम ख़रीद कर ला के रख लेते हैं और जब हमारा व्रत या त्यौहार आता है तो हम डायरेक्टली उसी टाइम पर जब ये कार्य करते हैं तो पता चलता है कि वो कहीं से उसमें लीकेज हो रहा है, ठीक नहीं है वो। मिट्टी की अखंड जोत जलाते हैं तो आप रात भर के लिए उसे पानी में भिगो के रख दीजिए। फिर आपको उसे कम से कम, अगर आपने 4 घंटे भिगो कर रखा है तो 2 घंटे के पानी से निकाल कर भी रखिए, ताकि उसका गीलापन ख़त्म हो जाए और उसमें पानी बिल्कुल भी ना रह जाए और उसके सोखने की क्षमता भी ख़त्म हो जाए। इस प्रकार से आपको देखना है जोत कौन सी लेना है, है ना। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको स्टील या फिर लोहे की अखंड जोत नहीं लेना है। आप मिट्टी की ले सकते हैं किंतु आपको स्टील और लोहे की नहीं लेना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप एक प्लेट ले लीजिए, और अगर आप चौकी पर स्थापना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट चौकी भी ले सकते हैं, और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर अक्षत से, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, बिना टूटे हुए चावल का आपको आसन देना होता है। देखिए, चाहे कलश देवता हो चाहे अखंड ज्योत हो, इनको आसन देना अवश्य ही जरूरी होता है, है ना। तो आप अखंड ज्योत के नीचे अक्षत का आसन दे दीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो चावलों को हल्दी से रंग लीजिए, या फिर आप किसी दूसरे जो फूड कलर आते हैं, ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है, इनसे रंग के सुंदर सा अष्टदल कमल बना लीजिए। और नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बहुत सुंदर तरीके से ऐसे ही आप साधारण चावल लेकर और अक्षत लेकर जो कि टूटे हुए ना हो, उनको नीचे बिछा के और उसके ऊपर आप जो अखंड ज्योत की प्लेट है उसको रख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट अखंड ज्योत रख सकते हैं। किंतु चौकी को ऊपर यदि आप रख रहे हैं तो आप चावल बिछाकर उसके ऊपर रख सकते हैं, किंतु ज़मीन पर आपको डायरेक्ट चावल बिछाकर नहीं रखना है। ज़मीन पर यदि आप अखंड ज्योत लगा रहे हैं तो आपको प्लेट रखनी है। प्लेट आप प्रयत्न कीजिए कि पीतल की ही हो, स्टील वगैरह की ना हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद देखिए, मार्केट में भी बहुत अच्छी अच्छी बातियाँ आती हैं अखंड ज्योत की, कभी कभी तो बहुत अच्छी निकलती हैं, क्योंकि मैं कई बार लेती हूँ बनी हुई, और नहीं आती हैं तो आप अपने आप बना सकते हैं। यदि आपको उसकी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। देखिए, हम लोग सोचते हैं ना ज्योत को ऐंठ लो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐंठना होता है पर हल्का सा, चाहे आप रुई की बनाएं चाहे आप मौली की बनाएं यानी कलावा की, ठीक है। इस प्रकार से आप थोड़ी लंबी यानी कोहनी तक, अपने हाथ की कोहनी तक आपको जोत इतनी लंबी तो बनानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप उस जो आपने अखंड जोत ली है उसमें बीच में खोल के उसको, जो अंदर का हिस्सा होता है वो आसानी से खुल जाता है, उसमें जोत डालकर उसे अच्छे से बंद कीजिए। उसके बाद उसमें आप घी डालिए, और घी नहीं है तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सरसों के तेल का इस्तेमाल अखंड ज्योत में मत कीजिए माता रानी के। आप प्रयत्न कीजिए तिल के तेल में अखंड ज्योत जलाइए, जिसे मीठा तेल भी कहते हैं। सबसे अच्छा तो देखिए गौघृत होता है, गाय का शुद्ध देसी घी। किंतु यदि नहीं हो पा रहा है तो आप भैंस का भी ले सकते हैं, और वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप तिल का तेल ले लीजिए, उसको भर दीजिए। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि माता रानी का नाम जपते रहिए। अपने हृदय में जो आपने अपने दिल में, अपने हृदय में जो माता के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम की जोत जलाई हुई है, उसे जलाते हुए और मन से, श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से माता को भजते हुए, माता से विनती करते हुए कि हे माँ, हम आपके समक्ष ये अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं। क्योंकि अखंड ज्योत जो होती है वो भी माता का स्वरूप ही मानी जाती है। जो ज्योत होती है, ज्योत इसीलिए उनको ज्योत कहा जाता है क्योंकि हम माता का स्वरूप मानते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप ज्योत प्रज्वलित कीजिए माता को प्रणाम करते हुए। इसके बाद आप जो ज्योत हैं उनको नीचे, ये नहीं कि जहाँ पे वो प्रज्वलित हैं, आप उनके पास में जल छिड़किए और उनको रोली हल्दी लगाइए, उसके बाद में अक्षत छिड़किए और पान, सुपारी, लौंग, कमलगट्टा, इलायची आदि चढ़ाइए, भोग लगाइए। कहने का तात्पर्य है बताशे का भोग लगाइए, लौंग का भोग लगाइए, जो भी आपके पास है आप उसका भोग लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, कोई फल है तो उसका भोग लगाइए, और माता का कोई भी मंत्र या दुर्गा चालीसा कुछ भी आप बोल सकते हैं। कुछ नहीं तो जय माता की, ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छये नमः।
किसी भी मंत्र को आप बोलते जाइए और कंटिन्यू पूजा करते जाइए, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, माता की ऐसी कृपा होगी। अब आपने अखंड ज्योत प्रज्वलित कर ली है ना, अब आपको सबसे पहले एक बात का और ध्यान रखना है। देखिए मैं भूल गई, पॉइंट्स में बता रही थी, ये चौथा पॉइंट है कि अब आप जैसे यदि आप अखंड ज्योत घर में लगा रहे हैं ना, तो आपको बहुत अधिक नियम ये करना पड़ेगा कि घर में कभी भी ताला नहीं लगाना है। यदि आपने 9 दिनों के लिए माता के आगे अखंड ज्योत प्रज्वलित की है तो आपको घर में ताला नहीं लगाना है। कोई ना कोई एक व्यक्ति घर में अवश्य रहे, और खाली यही नहीं, जिस जगह पर आपने माता की ज्योत जलाई हुई है उस जगह पर आपको चक्कर लगाते रहना है, वहाँ जाके 2-2 मिनट बैठना है, क्योंकि जो ज्योत होती हैं, जो माता रानी होती हैं, वो हमारी सबसे प्रिय होती हैं, है ना, हम उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो हमें उनको ये एहसास दिलाना होता है कि माँ हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमें छोड़ के मत जाना। तो आपको वहाँ जाके थोड़ी थोड़ी देर में बैठना भी होता है, और ये आवश्यक नहीं है कि आप स्वयं बैठें, घर में कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई भी बैठ सकता है जाके। कहने का तात्पर्य है वहाँ पर समय बिताइए। साथ ही आपको एक नियम का पालन और भी करना है, नियम नंबर 5, कि आपको पृथ्वी पर यानी कि ज़मीन पर ही शयन करना है। ज़मीन पर जो भी बिस्तर है वो धो के साफ करके पहले से ही रख लीजिए, प्रबंध कर लीजिए, और ज़मीन पर ही आपको शयन करना है रात में। यदि आप विश्राम करते हैं दिन में तो भी आप जहाँ पर आपने अखंड ज्योत जलाई हुई है वहीं ज़मीन पर विश्राम करें, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं छठे नियम की। तो छठा नियम यह है कि यदि आप ऑफिस जाते हैं या जॉब करते हैं, आप घर में नहीं रह सकते हैं, लेकिन आपका बहुत मन है कि आप अखंड ज्योत जलाएं, तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको किसी भी मंदिर में चले जाइए और वहाँ पर घी तेल जितना भी सामान होता है सारा कुछ लेकर जाइए, अखंड ज्योत भी ले जाइए, और पंडित जी से, पुरोहित जी से, ब्राह्मण जी से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना कीजिए कि हम ये ज्योत जलाना चाहते हैं, पंडित जी आप हमारा संकल्प करा दीजिए, किंतु हमारी मजबूरी है, हम ऑफिस जाते हैं या जॉब करते हैं, जो भी परेशानी है हम इनका ध्यान नहीं रख सकते, वो आपको करना है पंडित जी, आपकी बड़ी कृपा होगी, तो वो मान जाएंगे और आप कहीं भी किसी भी मंदिर में अखंड ज्योत जला सकते हैं। बस ये है कि दिन में एक बार दर्शन अवश्य कर लीजिएगा जाके, और कभी कभी घी तेल भी उसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं नियम नंबर 7 की। अखंड ज्योत बहुत ही शुद्धता के साथ जलाई जाती है। आप ये बात भी ध्यान रखें कि आप जब भी अखंड ज्योत जी के पास जाते हैं आपके हाथ पैर धुले होना चाहिए। आप एकदम ऐसा नहीं है कि आप शौचालय गए आपने बिना हाथ पैर धोए ऐसे ही चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कपड़े भी धुले हुए साफ स्वच्छ होने चाहिए। ये सारी बातों का आपको शुद्धता का अत्यंत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नियम नंबर 8 की। ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए अखंड ज्योत के साथ, है ना, आप उनको देखते रहिए। देखिए मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है कि उनमें मतलब, क्योंकि मैं बार बार चक्कर लगाती रहती हूँ, अपना अपना अलग अलग वो होता है ना, सबकी लाइफ का रूटीन अलग अलग होता है, तो मैं कोई काम करती हूँ ना, यदि मैं चाय बनाने गई हूँ, बच्चों को नाश्ता देने गई हूँ, वो सब करके मैं जल्दी से फिर आती हूँ देखने कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है किसी भी तरह की, सब देख के फिर मैं चेक करके चली जाती हूँ। उसके बाद में इसी प्रकार से आप ना पूरा अपना ध्यान दीजिए और माता रानी का नाम जपते रहिए। आप अपने अंदर सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति का भाव रखिए, माता के प्रति प्रेम रखिए, देखिए भगवान सदैव ही भाव के भूखे होते हैं। यदि आप नहीं भी बहुत अधिक कर पा रहे हैं, आपका भाव सच्चा है, तो माता रानी आपकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करेंगी, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि कभी कभी फिर भी अखंड ज्योत जब बुझ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले ये कि देखिए दुख होता है, बुरा लगता है, कष्ट होता है कि अखंड ज्योत हमारी बंद हो गई, लेकिन ना कभी भी मन में वहम नहीं पालिए कि कुछ बुरा हो जाएगा। कुछ बुरा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, माता रानी सब अच्छा करेंगी। आप मन में ऐसा भाव रखिए, है ना, और परेशान मत होइए। यदि पहली बात तो ये कि आप घी का ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक भी नहीं भरना है कि पूरी वो डूब जाए उसी में और बंद हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है, और आपको इतना कम भी नहीं रखना है कि उनमें अच्छे से पहुँचे ही नहीं, वो जले ही ना, ये भी नहीं करना है। दूसरा क्या है ना, यदि देखिए आपके घर में पंखा चला रहे हो आप, गर्मी लग रही है, तो आप उनका कवर अवश्य रखिए, ढकने के लिए चिमनी वगैरह आती है ना, ढक के रखिएगा। और वैसे भी अखंड ज्योत को ना ढक के ही रखना चाहिए ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना गिरें, क्योंकि भाई बहुत ही पवित्रता की चीज़ है, माता रानी की पूजा पाठ की ये चीज़ है, तो इसमें कीड़े मकोड़े कूड़ा करकट कुछ भी नहीं पड़ना चाहिए, तो उनको ढक के रखिए आप, और घी का ध्यान रखिए। दूसरा, यदि जब वो बंद हो जाए तो आप परेशान मत होइए, उनको दोबारा प्रज्वलित कीजिए पूरी भावना के साथ,
और जब थोड़ी सी जल रही हो आपको लगे ये तो बंद होने वाली है, तो आप चिमटी से उनको नीचे से ऊपर की तरफ कर दीजिए। प्लकर चिमटी जिसको कहते हैं अखंड ज्योत की अलग से बहुत बड़ी सी आती है, वो अवश्य रखिए अपने घर में। उससे आप थोड़ा सा धीरे से प्यार से ऊपर उठा दीजिए और जो फूल आया हुआ है उसको छेड़छाड़ मत कीजिए। या तो आप बहुत परफेक्ट नहीं हैं आप तो उसको टच मत कीजिए, धीरे धीरे करके जब अखंड ज्योत प्रज्वलित रहेंगी तो वो स्वयं से अपने आप ही छड़ जाता है फूल। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही देखते फूल आ गया अरे हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में भागते हैं और उसको जल्दी से छेड़छाड़ करने लगते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखिए धैर्यवान मनुष्य हमेशा प्रगतिशील रहता है, तो धैर्य रखना कभी ना छोड़े, है ना। तो इस प्रकार से छोटी छोटी ये बातें हैं। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि अखंड ज्योत भले ही आपने प्रज्वलित की हुई है लेकिन उनके समक्ष भी जब आप सुबह शाम की पूजा करते हैं तो आपको एक छोटा सा आरती का दिया, आरती के लिए एक दीप प्रज्वलित अवश्य करना है और अखंड ज्योत का पूजन भी आपको पूरे 9 दिन करना है। क्योंकि देखिए ये माता स्वरूप है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। और जो अखंड ज्योत होती है उनसे आपको दूसरी ज्योत नहीं जलानी है, उनको अलग ही रहने देना है, आपको अखंड ज्योत से दूसरी ज्योत नहीं जलानी है। तो इस प्रकार से आप इन छोटे छोटे से नियमों का पालन कर सकते हैं और पूरे 9 दिन तक माता की ज्योत जगमगाती रहेगी आपके मंदिर में। और मन मंदिर में जिस प्रकार से दीप प्रज्वलित रहता है वैसे माता रानी के आगे भी प्रज्वलित रहेगा और माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होगी। यदि आपको पसंद आए तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि लाइक अवश्य कीजिएगा और यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है कर लीजिएगा। तो ऐसी ही एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में। प्रेम से सब लोग अपने घर में बैठ कर जयकारा अवश्य लगाना, देखिए इस मामले में कंजूसी नहीं करना है ना। तो बोलिए शेरा वाली माता की जय।